हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ ऑन द टॉपिक फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स यानी कि बच्चेदानी में होने वाली गांठें। बच्चेदानी की जो गांठ होती है इनको हम मांस की गांठ बोलते हैं। मांस की गांठ इसलिए क्योंकि ये बच्चेदानी की दीवार से निकलती है। अब बच्चेदानी की दीवार कैसे बनती है? ये बनती है मांसपेशियों से और फाइब्रस टिश्यू से। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जब वो दीवार से निकलती है तो ऑब्वियसली उसमें भी वही चीज़ होगी जो बच्चेदानी की दीवार में होती है, यानी कि मांस की गांठें मांसपेशियों से बनी हुई होती है। इसमें कोई ब्लड या पानी या फिर पस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरह की जो गांठें होती हैं जिनमें ब्लड होता है या पानी होता है उनको हम सिस्ट बोलते हैं, और ये बच्चेदानी के बाहर जो ओवरी है उसमें बनती है, यानी कि अंडाशय। तो ये जो बच्चेदानी की गांठें इनको हम बोलते हैं फाइब्रॉइड्स। ये तरह तरह के होते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, या तो ये बच्चेदानी के अंदर लटक रहे होते हैं या फिर ये पूरी पूरी दीवार के अंदर होते हैं, बच्चेदानी की दीवार को मोटा कर देते हैं, या फिर ये बच्चेदानी के बाहर की तरफ यानी कि पेट के अंदर लटक रहे होते हैं, जिसको कि सब सीरस बोलते हैं। अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है और अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग तरीके से इनको निकालने का तरीका होता है, सर्जरी भी अलग होती है, राइट। फाइब्रॉइड्स का साइज यानी कि इन गांठों का साइज एक मटर के दाने से लेकर इतनी बड़ी बड़ी 24-26 सेंटीमीटर की गांठें तक हो सकती है, मतलब 3-4 किलो की गांठें भी निकलती है। कई बार इतने मटर के दाने जितनी गांठ भी दिक्कत देती है। तो साइज बहुत वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। कॉज, फाइब्रॉइड्स होने का एज सच कोई कॉज नहीं है। यू नेवर नो किसको फाइब्रॉइड हो रहा है। जनरली फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि मदर को है या दादी नानी में से किसी को है तो फिर फाइब्रॉइड हो जाता है, या फिर किसी किसी रेस में जैसे कि अफ्रीकन्स अमेरिकन्स जो है इनमें ये चीज़ कॉमन है। कहते हैं कि बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन यानी कि जो फीमेल हार्मोन है उसकी ज़्यादा होने की वजह से फाइब्रॉइड्स बनते हैं, उसकी वजह से फाइब्रॉइड्स और ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हैं बॉडी में जिसमें कि ईस्ट्रोजन हाई होता है, या तो PCOD कह लीजिए, PCOD में ईस्ट्रोजन बहुत हाई होता है, राइट। सेकेंडली प्री मेनोपॉज़ल पीरियड में, यानी कि जब मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, जब मेनोपॉज की तरफ जाते हैं तो ओवुलेशन नहीं होता है, तो पीरियड्स इररेगुलर होते हैं, 2-3 महीने से आते हैं। उन 2-3 महीनों में ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, उस समय फाइब्रॉइड्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर जिन लेडीज़ को बच्चा नहीं हो रहा है, जिन लेडीज़ को बच्चा नहीं हो रहा उनमें फाइब्रॉइड्स बड़े कॉमनली देखे जाते हैं। कुछ कंडीशंस जैसे कि प्रेगनेंसी में 9 महीने तक बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी हाई रहती है। ऐसे केसेस में जैसे जैसे बच्चेदानी बढ़ती है गांठें भी उसके साथ साथ बढ़ती है, छोटी सी गांठ इतनी बड़ी बड़ी तक हो जाती है। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, डिपेंड करता है गांठ कितनी बड़ी है और डिपेंड करता है गांठ किस तरफ है। बच्चेदानी के आगे वाली दीवार पे है, बच्चेदानी के ऊपर वाली टॉप पे है, पीछे की तरफ है, या बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के पास है। तो सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अगर यूट्रस की बात करें, यूट्रस से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, मतलब हैवी ब्लीडिंग, बार बार पीरियड आना, महीने में 2-3 बार आना, या फिर एक ही बार आना लेकिन इतना हैवी होना कि दिन में 5-6 बार पैड्स बदल रहे हैं, पैड्स बदलने के बावजूद भी सारी स्टेनिंग हो रही है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन होना, क्लॉट्स आना, क्लॉट्स यानी कि थक्के निकलना, पीरियड्स के 5-10 दिन पहले से नीचे की तरफ पेन होना, यानी कि नॉर्मली पेन कब होता है जब पीरियड शुरू होते हैं या 1-2 दिन पहले से, इसमें 5-10 दिन पहले से ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नीचे की तरफ हैवीनेस फील होने लगती है और पेशेंट की जो डेली लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है, इतना पेन होता है। देन कमिंग टू अदर सिम्टम्स, मतलब बाकी चीज़ें और क्या प्रॉब्लम कर सकती हैं, जैसे कि आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि पेशाब की थैली जो आगे की तरफ है या पीछे की तरफ जो आते हैं, अगर उस पर प्रेशर आएगा तो वो सिम्टम्स डेवलप होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बार बार यूरिन लगना, बार बार ऐसा लगना है कि टॉयलेट आ रही है लेकिन टॉयलेट होती नहीं है, क्योंकि 3-3 घंटे से पहले ब्लैडर भरता नहीं है लेकिन सेंसेशन रहता है, बार बार फील होता है कि यूरिन लग रही है, या फिर बार बार पॉटी लगना, या फिर पॉटी करते समय बहुत दर्द होना। तो ये डिपेंड करता है फाइब्रॉइड का साइज का है, फाइब्रॉइड किस तरह है। अब पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा उसको क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मली एक गायनेकोलॉजिस्ट जब पेशेंट को बेड पर लेटा के इंटरनल एग्जामिनेशन करती है तो हमको फाइब्रॉइड फील हो जाता है। फाइब्रॉइड फील होने के बावजूद हम लोग तब तक कंफर्म नहीं कर पाते जब तक कि इसकी सोनोग्राफी नहीं होती। सोनोग्राफी से क्लियरली दिख जाता है कि फाइब्रॉइड कहाँ है, कितना बड़ा है और किस पोजीशन में है। कभी कभी फाइब्रॉइड्स की गांठें बाकी चीज़ों से कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, जैसे ओवेरियन सिस्ट। सोनोग्राफी में अगर नहीं पता चलता तो फिर आगे MRI की जरूरत पड़ सकती है, बट ये बड़ा रेयर है। नॉर्मली सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड कहाँ पर है। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। अब इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट को सिम्टम्स क्या है। कई बार इतनी बड़ी बड़ी गांठें भी अंदर होती हैं लेकिन पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो डिपेंड करता है पेशेंट को प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसकी एज क्या है, उसकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर उससे डिसाइड करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। ट्रीटमेंट में जनरली फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट सर्जरी है, क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं आई है जो कि इसको परमानेंटली रिड्यूस करते हैं। फाइब्रॉइड्स रिकरेंट होते हैं, बार बार भी होते हैं,
10 साल 15 साल बाद भी सर्जरी होने के बावजूद वापस बन जाते हैं। डिपेंड करता है किस एज पे सर्जरी कराई गई है। सर्जरी दो तरीके से होती है, लैप्रोस्कोपी या लैप्रोक्टमी। लैप्रोस्कोपी यानी कि कीहोल यानी कि दूरबीन से सर्जरी, और एक होता है पूरा पेट में चीरा लगा के लैप्रोक्टमी करना। मेडिसिन ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मेडिसिन तरह तरह की आई है। नॉर्मली ये मेडिसिन का ये रोल रहता है कि सर्जरी करने से पहले फाइब्रॉइड के साइज को इतने बड़े से इतना कर दे, छोटा कर दे, तो उससे क्या होता है चीरा कम लगता है, डॉक्टर को फाइब्रॉइड निकालने में आसानी रहती है, पेशेंट को ऑब्वियसली थिएटर में जो टाइम लगता है ऑपरेशन का वो कम हो जाता है, तो उसको बाद में पेन कम होता है। तो ये सब दवाइयाँ टेम्परेरी हैं, इनको जब तक लेते हैं तब तक इफेक्ट रहता है और उसके बाद इनका नॉर्मल इफेक्ट खत्म हो जाता है। कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जैसे कि यूलिप्रिस्टन, जैसे कि मिफेप्रिस्टोन, इनका क्लेम है, इनके ऊपर स्टडीज चल रही हैं कि ये करीब करीब परमानेंटली फाइब्रॉइड्स को रिड्यूस कर देती है, खत्म कर देती है, बट इसके लिए फाइब्रॉइड का साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़े फाइब्रॉइड्स पर ये दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। बड़े फाइब्रॉइड्स के लिए इंजेक्शन आए हैं, GnRH इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस नॉर्मली हम लोग तब देते हैं जब पेशेंट की सर्जरी प्लान होती है, तो उसके 1-3 महीने पहले हम ये इंजेक्शन लगा देते हैं। कई बार मंथ में एक महीने में एक बार, कई बार 3 महीने में एक बार, डिपेंडिंग कौन से इंजेक्शन लगा रहे हैं। उससे जनरली साइज काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और ऑपरेशन करने में आसानी रहती है, ब्लड लॉस भी कम होता है, ब्लड चढ़ने की नौबत नहीं आती है। सर्जरी की बात करें तो सर्जरी नॉर्मली से 1 से 1.5 घंटे में हो जाती है। अब डिपेंड करता है पेशेंट की फैमिली अगर कंप्लीट है और पेशेंट की एज 40 के अबव है तो जनरली डॉक्टर्स यही एडवाइस करते हैं कि आप फाइब्रॉइड ना निकलवा के पूरी बच्चेदानी ही निकलवा लें, जिससे कि वापस से सर्जरी की नौबत ना आए। क्योंकि 20 से 40 साल की उम्र में जब आपकी हॉर्मोन्स अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं और आपका यूट्रस भी ग्रो कर सकता है, आपको प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ऐसे केसेस में फाइब्रॉइड बार बार रिकर कर जाते हैं, मतलब कि बार बार आ जाते हैं। एक और सर्जरी है जिसको कि बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी एक पतले से पेन जैसा एक कैमरा होता है जो कि बच्चेदानी के रास्ते अंदर डालते हैं। इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं होती, कोई टांका नहीं लगता। ये उस तरह के फाइब्रॉइड्स निकालने में आसानी रहती है जिसमें कि फाइब्रॉइड्स अंदर बच्चेदानी के अंदर लटक रहे हैं, जैसे कि आप फोटो भी देख सकते हैं। जब ये फाइब्रॉइड अंदर लटकता है तो ये इररेगुलर ब्लीडिंग कराता है। पेशेंट को महीने में 3-4 बार बीच में स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग कभी भी आ जाती है। ऐसे केसेस में जिनमें यूट्रस नहीं निकालना है, सिर्फ फाइब्रॉइड निकालना है, तो इसके लिए पेट से ना सर्जरी करके बच्चेदानी के रास्ते यानी कि शरीर के रास्ते, वजाइना के रास्ते ये कैमरा डाला जाता है, इसको अंदर ही अंदर काट के निकाल दिया जाता है। ये नीचे नीचे से निकल जाता है और इसमें ना कोई चीरा फाड़ी होती ना कोई टांका लगता है। तो ये 2-3 तरह की सर्जरीज हमने डिस्कस करी, मेडिसिन हमने डिस्कस करी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक फाइब्रॉइड्स के बारे में जितनी जानकारी मुझे देनी थी वो मैं दे चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे sonal.parihar.33। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय।